नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स डॉट शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। आज हमारे पास है एक स्मार्टफोन और उसको हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं। तो हमारे पास है इनफिनिक्स स्मार्ट 5। इसमें 6000 mAh बैटरी, मीडियाटेक प्रोसेसर। फिलहाल इसकी कीमत है मार्केट में 7000 रुपये, मुझे ये पड़ा 6199 रुपये में। आइए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी तरह से सील पैक है। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी खूबियाँ। 6000 mAh बैटरी, 6.82 इंच का HD+ सिनेमा डिस्प्ले, हाइपर इंजन ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि है मीडियाटेक ब्रांड का हेलियो G25, 8 MP का सेल्फी कैमरा और 13 MP का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ड्यूल रियर कैमरा। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन है। इसमें DTS ऑडियो प्रोसेसिंग, फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर फॉर एक्सेस सिक्योरिटी। यह है बॉक्स और इसको खोलते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर भी लुक्स ऑसम। इसको रखते हैं तब तक साइड में, इसके अंदर में देखते हैं क्या क्या है। चार्जर, माइक्रो USB केबल, डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ मिलता है बैक कवर भी, सिलिकॉन कवर। इसका तो खर्चा बच गया। ये फ़ोन मैंने ख़रीदा है खुद के इस्तेमाल के लिए। फिलहाल मेरे पास है सैमसंग ब्रांड का M30। ये है माइक्रो USB टू USB केबल, बैक कवर और ये रहा सिम पिन। सम एंड ऑसम, डबल ऑसम। काफ़ी बढ़िया आया फ़ोन, मुझे तो बहुत पसंद आया। काफ़ी स्टाइलिश दिख रहा है, काफ़ी प्रीमियम है। सैमसंग के डिजाइन को ये मैच करता है, उसके क्वालिटी को मैच करता है। क्या बनावट भी सैमसंग की ही तरह है? कहना मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास जो सैमसंग M30 है वो कई बार गिर चुका है। अभी तक कम से कम 40-50 बार गिर चुका होगा या उससे ज़्यादा बार गिर चुका होगा। मैंने कोई टेम्पर ग्लास नहीं लगाया है, बस एक सिलिकॉन कवर है और उसी पर वो फ़ोन बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या वही क्वालिटी मिलेगा, क्या वही बिल्ड क्वालिटी इस फ़ोन की, देखते हैं। इस फ़ोन को मैंने मेनली ख़रीदा बिकॉज इसमें है 6000 mAh बैटरी। ये रहा फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4 कैमरा। स्टार्ट, कौन सा अपना कंट्री, वो है भारत। नेक्स्ट, स्किप, एग्रीड,
ओके, इसको एक्सेप्ट करना होगा, बाद में करेंगे ये सब। ओके, ये रही कुछ इंस्ट्रक्शन। लॉन्ग प्रेस फोर्सिवली रिमूविंग इंटरनल बैटरी विल डैमेज दी फोन। लॉन्ग प्रेस द पावर की फॉर 8 सेकेंड टू रीस्टार्ट दी फोन। स्टार्ट। बहत्तर परसेंट ये बैटरी फिलहाल चार्ज है, आप इसका बैटरी देख सकते हैं। यपे, मुझे एक बात का डर है, क्या इसमें ब्लॉटवेयर है? मुझे ब्लॉटवेयर से बहुत डर लगता है और इसीलिए मैं कभी भी रेडमी का फ़ोन नहीं खरीदता। उसमें आलतू फालतू के इतने सारे ऐप्स वो घुसेड़े हुए रहता है शॉमी, और किसी भी हालत में आप उसको निकाल नहीं पा सकते। अरे तेरी, इसमें तो बहुत सारे हैं यार। सैमसंग के फ़ोन इसलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता है, जो काम की चीज़ें हैं वही होते हैं, काम के जरूरी ऐप्स होते हैं। अब इसमें देखो, सिटी रेसिंग 3D, मैं गेम नहीं खेलता, कंपास, ये क्या है, इस सब का क्या इस्तेमाल है, ए एच गेम्स, एक्स थीम, क्या क्या डाले हुए हैं। ये रहा फोन, चलिए अबाउट फोन में जाते हैं। इसका क्लीनर, यही सब मुझे बिल्कुल घटिया लगता है कि यार क्यों ये सब आलतू फालतू ऐप्स इसमें डाले हुए रहते हैं। चाइनीज ब्रांड की यही सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए मैं इस ब्रांड के फोन कभी नहीं खरीदता। ये तो आगे अच्छा सेटिंग में ही मिलेगा। सेटिंग कहाँ है? अबाउट फोन, माई फोन, शायद इसे मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन है 2 GB रैम है इसमें, 32 GB रोम है यानी कि इंटरनल मेमोरी है, और 13 MP का ड्यूल AI कैमरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कैमरा। 2 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि है MediaTek ब्रांड से। 6000 mAh बैटरी है इसमें, और इसीलिए मैंने इस फ़ोन को ख़रीदा है। और स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 1640x720 pixels। एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें दिया गया है, और ये सब हैं इसके कुछ ज़रूरी अदर डिटेल्स। इस स्पेसिफिकेशन के साथ अभी यह सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है मार्केट में। इस फोन में बस एक ही कमी है हमारे अनुसार, इसमें नहीं दिया गया USB टाइप सी बेस्ड चार्जिंग, और इससे चार्ज होने में इस फ़ोन को हमको लगता है, मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 2.5 या 3 घंटे लगेंगे, या उससे भी ज़्यादा लगेंगे, 4 घंटे लग सकते हैं। और USB टाइप सी बेस्ड चार्जिंग होता तो मुश्किल से 2 घंटा लगता, 2 या 2.5 घंटा में काम खत्म हो जाता। कैमरा में आपको मिलता है ये सारे ऑप्शंस, स्लो मोशन, वीडियो, AI कैम, ब्यूटी, बोकेस मोड, बोके मोड, AR शॉट। ये फन टाइप की चीज़ सभी मिलते हैं। ब्यूटी मोड, इसको एडिट करते हैं। हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग।
हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। इस फोन पे आपको सुनने को मिलेगा डॉल्बी साउंड, और जिसके लिए ये दिया गया है ऐप स्मार्ट मोड, म्यूजिक मोड, वीडियो मोड, गेम मोड। इक्वलाइजर ऑन है, ये क्या है? इंडिया इंडिया, ये रहा। ओके, ये कस्टमर केयर संबंधित कुछ है। ये रही गूगल की सर्विसेज, ये क्या है? चाइनीज फोन एंड बहुत सारे आलतू फालतू चीज़ें इसमें होंगी। चलते हैं इसके सेटिंग में। साउंड वाइब्रेशन, कॉल वॉल्यूम, मीडिया वॉल्यूम, वाइब्रेशन नहीं चाहिए। नन का ऑप्शन है, नन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा सैमसंग के स्मार्टफोन में। यूनिक है थोड़ा, उसी को रखते हैं। डायल पैड का टोन नहीं चाहिए, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन नहीं चाहिए, टच वाइब्रेशन, डीटीएस साउंड, ये रहा। ये सब है इसके साउंड सेटिंग, वाईफाई, सिम कार्ड, मोबाइल नेटवर्क सपोर्ट। ये क्या था? अच्छा, नंबर ब्लॉक करने का फैसिलिटीज में दिया गया है, हरासमेंट फिल्टर। इसमें आप ब्लॉक्स नंबर इन नॉट इन कॉन्टैक्ट्स, ये फीचर आपको मिलेगा ट्रू कॉलर में। तो ये फीचर इसमें इनबिल्ट किया गया है, ऐसे नंबर जो आपके कॉन्टैक्ट में सेव नहीं है ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक अननोन एंड हिडन नंबर्स, तो ये मैं दोनों ऑन करने वाला हूँ, ब्लॉक कॉल्स एंड ब्लॉक्ड कॉल्स। और यहाँ पे जो नोट हिस्ट्री रहेगा उसका हिस्ट्री होगा, जो जो नंबर सब ब्लॉक किया गया है और SMS ब्लॉक किया गया। ऑसम, दिस इज़ वन गुड फीचर। कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी शायद इसमें नहीं है। फ्री स्टोरेज कितना है ये देख लीजिए, 2 GB है, फ्री मिलता है सिर्फ 838 MB ही, तो बाकी का लमसम 1.25 GB जो है वो फोन ही खा गया है। इंटरनल स्टोरेज में आपको फ्री मिलता है 23.81 GB, 32 में से 23.81, और रैम में 2 GB में से सिर्फ 838 MB। प्राइवेसी, चलो और क्या है इसमें? तो कैमरा, ये कस्टमर सर्विस सपोर्ट है, क्रोम, DTS साउंड, ट्रांसलेशन, मैसेज, फोन, साउंड रिकॉर्डिंग, गेम, इसको निकाल सकते हैं क्या? वो गया,
एआई गैलरी। हेलो, यहाँ पे दो फोटो है, एक वन और ये किया असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट बॉम्बे प्ले, ये क्या है, गेम हो गई पक्का, नहीं चाहिए, देखते हैं क्या। हेलो, म्यूजिक कुछ है, यही सब मुझे पसंद नहीं आता है, नहीं चाहिए, अनइंस्टॉल। कंपास है ये, अच्छा कंपास लगा के देखते हैं किधर है नॉर्थ किधर है साउथ। शायद इंटरनेट की ज़रूरत है उसको। फाइल मैनेजमेंट कंटिन्यू, एक साउंड रिकॉर्डिंग है, इसको करते हैं डिलीट, ये सब ऑप्शन डिलीट डॉक्यूमेंट अदर्स। फाइल मैनेजर कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, डाउनलोड्स इमेज वीडियोज ऑडियो डॉक्यूमेंट एंड अदर्स एंड ऐप। इंटरनल स्टोरेज दिखा रहा है कि 24 GB फ्री है। ओके, ड्राइव है, डियो प्री इंस्टॉल्ड किया गया, वेरी गुड। फेसबुक नहीं चाहिए यार, आई डोंट यूज फेसबुक। गूगल गो क्या है, गैलरी तो वही हुआ, कंटिन्यू। जिसके सपने हमें रोज, योर फोन इज एट रिस्क, क्यों भाई ऐसा क्या हो गया। एवरीथिंग इज ऑल गुड, ये सब प्री बिल्ट है आपको ये यूजर इंटरफेस के साथ, क्योंकि ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग, क्योंकि ये इसमें है एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड में ये सब नहीं होते हैं, और यही सब जो है फोन को बर्बाद करता है, ये सब नहीं चाहिए। वेदर है, वेल लाइफ है, एक्स क्लब है, क्या है ये, एक्स एयर लाइट है, सब इसका इन्फिनिक्स का है, एक्स थीम है, यो पार्टी है, इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है इसको, ए बी सी डी एफ जी एच एम एन पी एस डब्ल्यू एक्स वाई। ऑसम, कॉल इंटरफेस देखते हैं, ऐड अल्लाह अल्लाह। कॉन्टैक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ये सब डिटेल्स फिल कर सकते हैं इसमें। ब्राउजर है या एग्रीड, एलो 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 एलो। चलो ये हो गया, वो प्ले स्टोर SMS कुछ इस तरह से दिखता है SMS। अच्छा इनेबल स्पाम प्रोटेक्शन, देखते हैं क्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, क्लीन बूस्ट कूल बैटरी एंड डेटा, इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके बहुत कुछ कर सकते हैं, और अभी हमारा नेटवर्क डाउन है ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम।
फोन तो मस्त है, इसमें कोई शिकायत नहीं। अगर आपका बजट है 6,000 रुपये या 6,500 रुपये तो इन्फिनिक्स का यह फ़ोन काफ़ी बढ़िया होगा। इसमें सब कुछ बढ़िया है, जैसा कि आप देख सकते हैं सेल्फी कैमरा इसका A1 है, मज़ा आएगा। और इसके साथ मिलता है एक फ्री सिलिकॉन कवर जो कि इसको देगा 100% प्रोटेक्शन। यहाँ पे है सेल्फी कैमरा, साउंड तो आप सुन ही चुके हैं, ऑल गुड, गो फॉर इट, थैंक यू।